मुंबई यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट और देश प्रेमी फाउंडेशन द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का 76th एनिवर्सरी पर उन सभी शहीदों की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन मुंबई यूनिवर्सिटी में किया गया। इस कार्यक्रम में सोहेल लोखंडवाला, निजामुद्दीन रयान, MLA अमीन पटेल, पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद पटेल ने सभी का शुक्रिया अदा किया और अपने शहीदों को याद करने और जानने की अपील की। मैं मोहम्मद पटेल साहब, सारा पटेल जो उनकी अहलिया हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन वीरों को, जिन बहादुरों को, जिनकी वजह से आज देश आज़ाद हुआ, जिनकी वजह से हम आज अमन चैन में हैं, उनको याद किया जा रहा है। और साहेब अली साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी जगह दी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर, फारूक आजम साहब आए, सोहेल भाई आए, अमीन पटेल साहब आए, मोहसिन हैदर साहब आए और जितने भी लोग आए, जिन लोगों ने अपना वक्त निकाला, क्योंकि जो भी आता है कम से कम आने जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो उन सब का शुक्रिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम देश के लिए, देश को आज याद कर रहे हैं। हमारे जो वीर थे, जो हमारे बहादुर थे, उनको हम याद कर रहे हैं, चूँकि आज की पीढ़ी जो है वो उनको भूलती जा रही है। तो ये चीज़ें 76 साल के आसपास हो गए हम उनको आज़ाद हुए, अभी करीब में 15 अगस्त है, 26 जनवरी आती है, तो ऐसे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो उनको याद करे। वैसे तो गूगल्स का ज़माना है, मोबाइल हाथ में है, हम खोलते हैं, लेकिन ये बात जो प्रैक्टिकल होती है, जो स्टेज पर होती है और जो हम उसको याद दिलाते हैं, जो ब्रीफ में जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इन बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हमारे साथियों ने, काबिले तारीफ है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अली खान साहब ने कहा, ये वो किरदार है, वो लोग हैं जिनके वजह से हम खुली सांस में हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, हम लोग आज़ादी मिली है हमें। और मैं आपको बताता चलूँ, मेरे हलके में जो पिछले, मेरे कॉरपोरेशन का हल्का पिछले कई सालों से मेरी कोशिशें रही है, क्योंकि आप मेरे एरिया में आप देखोगे, मेरे वार्ड में आप देखोगे, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड पे आप नज़र आओगे, शहीद अशफाकुल्ला खान रोड है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी के नाम पर है, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट जिन्होंने, जिनका नारा लगाया था यूसुफ मेहर अली, जिनके नाम पर हमने गार्डन बनाया। तो हमारी कोशिश तो रही है कॉरपोरेशन में होते, जो हमारी ताकत थी कि ये वो योद्धा जिसको कहा जाए, जो जंगजू थे जिन्होंने लड़कर इस मुल्क को आज़ादी दी, तो उनको कहीं ना कहीं हर तबके के लोग उसको याद करें, बच्चे भी याद करें, तो ये कोशिश हमारी रही है और हमारे साथियों ने किया। मैं बिल्कुल काबिले तारीफ करना चाहता हूँ उन साथियों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देश प्रेमी फाउंडेशन के और मुंबई यूनिवर्सिटी के जो उर्दू शोभा के चीफ है साहब अली बहार मोहम्मद पटेल साहब का, कि उन्होंने आज 76 क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ सेलिब्रेट किया है। सब लोगों ने काफ़ी डिटेल में बताया और आपने भी देखा कि जो आज देश के हालात है उसके अंदर 1942 के अंदर अगस्त महीने के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, उसकी इम्पोर्टेंस नई जनरेशन को बताने के लिए कि किस तरह से 1942 के अंदर डू और डाई का नारा दे करके अंग्रेजों भारत छोड़ो ये मूवमेंट जो शुरू हुआ था, वो आज 2018 में किस तरह से लिंक हो रहा है वो, और हिस्ट्री हमारे फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, उसलिए ये प्रोग्राम किया गया था। और काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ, जो स्पीचेस हुई, उसके अंदर ये बात खुल के सामने आई है कि आज भी हमारे देश को और ख़ास करके नौजवानों को हमारे हिस्ट्री से बहुत इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं, जैसा अमीन पटेल साहब ने कहा कि मोहम्मद पटेल की जो संस्था है देश प्रेमी फाउंडेशन, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू के डिपार्टमेंट के साथ, के इश्तराक के साथ, जो आज क्विट इंडिया मूवमेंट की प्लेटिनम जुबली के जलसे का इनेकाद किया, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस ढंग से उस जमाने में क्विट इंडिया मूवमेंट में जिसका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और जिसमें डू और डाई, करो या मरो का भी नारा दिया गया था, आज जो मुल्क जिस सिमट जा रहा है, तो आज नारा देना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क में तासुब पैदा कर रहे हैं, कम्युनलिज्म पैदा कर रहे हैं, तो कम्युनलिज्म के खिलाफ और तासुब के खिलाफ जो है वो डू और डाई का नारा देना चाहिए कि इस मुल्क में
को अगर तरक्की में लाना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह से आजादी की तहरीक पे, आजादी इस मुल्क के हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित सब ने मिलकर आजादी के लिए लड़ा है, तो इस मुल्क को की आजादी को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क के माहौल को इसी तरह से खुशगवार रखने के लिए हमको अभी जो है डू और डाई का नारा लगाना पड़ेगा और तासुब को और कम्युनलिज्म को हमेशा का हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। इस तरह के प्रोग्राम जो है हमारे हर तालीमी इदारे में होते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारा नौजवान है वो सही रास्ते से भटक रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मतलब बिल्कुल भटक रहा है और इसके अलावा कुछ वो सही बात नहीं मालूम है। तो कम से कम इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करके तालीमी इदारों में उनको बताया जा सकता है कि हमारे बुज़ुर्गों की खिदमत क्या क्या रही हैं और वो किस तरह से हिंदू मुसलमान जो सब एक हो करके और हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की थी। ऐसी ज़रूरत आ जाए कि वाकई हमारी ज़हनी आज़ादी भी रहे इस वक्त और हिंदू मुसलमान को मिल करके ज़हनी आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो इतिहास के पन्नों में ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जब ही आपका ये सोशल मीडिया का दौर आया इलेक्ट्रॉनिक है, यस यस, अभी चेंजेस इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि आज भी उनकी प्रासंगिकता है, उसे हम आप इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब अली ने बताया कि इसको इदारों में जाना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन बदमाशी दूसरे तरह की हो रही है। बदमाशी ये हो रही है कि हजरत टीपू सुल्तान पर जो आया आर्टिकल्स है उनके बारे में या उनकी उन्होंने जो काम किया। अब इस दौर में आप जब गूगल पे सर्च करेंगे टीपू को तो आप देखेंगे दो तरह का आर्टिकल है, एक जो आज विरोध में उनके खिलाफ नया इतिहास लिख रहे हैं उनका, और एक वो जो रियल हैं। तो मैंने इस मुल्क में कई बड़े इतिहासकार जिसमें बी एन पांडे, पीसी सरकार, और इनको मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि कहीं इस तरह की साजिश हो रही है। तो मुझे एक ही बात कहना है कि जो नई नस्ल आ रही है वो चाहे किसी भी धर्म की हो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों की जवाबदारी हो टीपू को पढ़ें। मैंने देखा जाकर कि टीपू को पढ़ने वाले मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू हैं, और हिंदू प्रोफेसरों ने उनको बताया और इस मुल्क की तारीख को हिंदू प्रोफेसरों ने लिखा, क्योंकि मुस्लिम तो बहुत कम जो है तारीख दाह हैं या तारीख लिखने वाले हैं। ज़्यादातर किताबें जिन्होंने लिखी वो सब हमारे हिंदू हैं इस देश के। तो कम से कम नई नस्ल को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ही रियल हीरोज कौन थे, और वो खोज रहे हैं। पहले तो हमें बुक लेना था, अब बुक लेने के बाद फिर टाइम नहीं, 400 500 600 पेज, एक एक हज़ार पेज की बुक है। तो एटलीस्ट आज उनके हाथ में मोबाइल है, अगर उनको इस बात का पता चल जाए कि मुझे मौलाना आज़ाद को सर्च करना है, मुझे पंडित नेहरू को सर्च करना है, मुझे गांधी जी को सर्च करना है, तो वो कर रहे हैं, क्योंकि नई नस्ल बहुत अच्छे से इस बात को उठा रही है। लेकिन एक तबका इस वक्त जो सोशल मीडिया में आया है वो किसी भी चीज़ पर गलत बातें करता है, गालियां देता है, मतलब उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, मैं समझता हूँ उस पर रोक लगनी चाहिए। किसी चीज़ को भी जानने का अधिकार किसी को भी है और उसे उसको जानना चाहिए। कुर्बानी, आज हालात ये हो रहे हैं कि हम जो तारीख है, जो जंग आज़ादी में जिन लोगों ने रोल अदा किया है, अपनी जानें कुर्बान की है, वो आज इतने मालूमात लोगों को नहीं है। और उसमें जो आज खास करके आजकल के जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए कि जंग आज़ादी कैसे हासिल की गई, आज़ादी के लिए कितने लोगों की कुर्बानियां दी गई और कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोग मरे, कितने लोग कुर्बान, तो इसको बताने की और एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, आज उसी कुर्बानी को याद करने के लिए आज हमने जो है ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। हम यही कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में और भी बहुत सारे, जैसे आपने सवाल किया, क्विट इंडिया करप्शन है, लिटरेसी है, बहुत सारी चीज़ें आज हमारे मुल्क से हमको ख़त्म करना है। और मैं सरकार से ये कहूँगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी में जो है ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट पर भी जो है एक लेक्चर्स रखना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट लोगों को बुला करके हमारे बच्चों के साथ में जो है उनको ये नॉलेज देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को भी नहीं मालूम है कि ये मूवमेंट क्या है, समझे। तो इस तरह के कार्यक्रम करने से जो है एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन में जो है इजाफा होगा, एक यूनिटी के अंदर
बढ़ावा मिलेगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम और बड़े लेवल पे होना चाहिए। एक मुंबई विद्यापीठ की एक एकेडमिशियन और एक सेनेट मेंबर करके अपने सोच को आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली जो देशप्रेमी फाउंडेशन और उर्दू डिपार्टमेंट ने आज जो आयोजित कार्यक्रम किया है, इसका एक मुख्य एजेंडा ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम आज के नव युवा पीढ़ी के सामने लाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारत के इतिहास को अगर देखा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट केवल एक शिक्षक के तौर पर जो सिखाया जाता है या फिर एक बच्चे के तौर पर जो स्कूल में समझने की कोशिश करते उसको केवल एक चैप्टर या केवल एक 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 प्रकार का एक सोच लाने की प्रक्रिया ज़्यादातर स्कूलों में देखी जाती है। हालांकि उसको अगर आज के विचारों में हम सोचने की कोशिश करें तो केवल हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके कंट्रीब्यूशन को एक बलिदान करके ही सोचा जाता है या फिर हम उसको 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को एक सलाम के तौर पर उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन क्विट इंडिया जैसी मूवमेंट को आज की पीढ़ी में को सामने लाने की ये जो कार्यक्रम के तरफ से जो संकल्प किया गया है उस संकल्प में कुछ विचारवंतों ने अपने विचार की टिप्पणी दी है जिसमें से एक चीज़ बहुत ही अहम हुए है और वो ये चीज़ है कि हम जात धर्म भेदभाव जो आज भी 60-70 सालों से जो पिछड़े रह चुके हैं उन चीज़ों को दोबारा दोहरा जा रहा है। एक तरफ हम देश की आज़ादी को मनाते हैं और मनाते समय हम अपने देश को विश्व के लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब हम विश्व के लेवल पर जाते हैं तो उस पायदान में हम कहीं ना कहीं भटकते हैं, उस पायदान को हम तोड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर से हम जाति की बेड़ियों में जकड़ते जा रहे हैं।